जो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का संस्कृत व्याकरण और आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि ज्ञान का वृद्धि संधि। ठीक है, अब बाकी की संधि हम लोग कर चुके हैं और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि से पहले पहले हमें ये बता दीजिए कि सूत्र आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं। अकर सवर्ण दीर्घ किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का सूत्र है। और आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। इको यर्जी यर संधि का सूत्र है। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। और वृद्धि वृद्धि रेची होती है वृद्धि संधि का सूत्र। और संज्ञा वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है वृद्धि राधैच। ठीक है, वृद्धि राधैच होता है, वृद्धि राधैच ये होता है आपका संज्ञा सूत्र। ठीक है, कि ये वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि राधैच कहता है कि आ आई औ औ ये वृद्धि है। वृद्धि राधेज कहता है कि ये वृद्धि है, यानी वृद्धि राधेज संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, और उसी तरह से आद गुणा क्या है? संधि सूत्र है अगुण संधि का। और अधीन गुणा जो आपका अधीन गुणा ये गुण संधि का संज्ञा सूत्र है। ये कहता है कि अ ए और ओ ये गुण है। ये क्या कहता है अधीन गुणा? कि ये अ ए ओ गुण है। और वृद्धि राधेज कहता है कि आ आई और औ वृद्धि है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। आ ए और ओ ये अधीन गुणा संज्ञा सूत्र है, संज्ञा विधायक। ये कहता है कि आ ए ओ गुण है। और वृद्धि राधेज कहता है कि आ आई औ ये वृद्धि है। ठीक है, अब ये देखिए सूत्र वृद्धि रेची आएगा तो ये संधि सूत्र है, वृद्धि का संधि सूत्र है। आद गुणा संधि सूत्र है किसका? गुण संधि का। तो वृद्धि संधि अब हम लोग पढ़ते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है, अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर के ए और औ, ए ओ या औ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। ठीक है, और ओ या औ के आने पर औ हो जाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है यदि अ या आ के बाद आपका ए आए या ऐ आए, ठीक है, ए आए या ऐ आए, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, और उसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ आए। ठीक है, ये ऑब्लिक है, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक, ये वृद्धि है। तो वृद्धि संधि में आई और औ होता है, आ नहीं होता है। आ आपको कहता है वृद्धि राधेच संज्ञा सूत्र कहता है, संज्ञा कहता है वृद्धि राधेच संज्ञा विधायक सूत्र है, वो कहता है कि आ क्या है? वृद्धि है। ठीक है, चलिए देखिए माधन एवम है तो माँ में क्या है? आ है प्लस ए है, तो ये ए आया और आ के बाद ए आया तो क्या हो गया? आई हो गया। क्या हो गया? आई मैवम। ठीक, देखिए इसका नियम भी दे दिया आगे। पंच में अ आया और इसका ए, दोनों मिलके क्या बन गया? आई। सदा धन एव सदैव, ये बहुत पूछा जाता है सदैव, इसको याद रखिएगा। आ प्लस ए क्या हो गया? आई हो गया। विद्याधन ऐश्वर्यम, आ प्लस आई
दोनों क्या बन गया, विद्येश्वर्यम। जल धन उगह जलौघ, अ प्लस ओ बराबर क्या होता है, औ जलोघ। कन्यादन उदनम, कन्या का आ और उदनम का ओ दोनों मिलके बन गया औ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ औ। कन्यादन कन्यादन उदनम कन्योदनम, कन्यादन उदनम कन्योदनम। वन धन औषधि, वन धन औषधि भी बहुत पूछा जाता है, सदा धन एव भी, तो वन धन औषधम वन औषधम। आप लोग को ट्रिक पता रहेगी कि कैसे बनती है वृद्धि संधि, तो आप कोई भी शब्द होगा तो उसको आप कर ले जाएंगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। वन धन औषधम है, अ प्लस औ आया, दोनों मिलकर क्या बन गया, औ वन औषधम। महाधन औषधि, ये भी बहुत पूछा जाता है, महौषध महाधन औषधि महौषधि, इसको धी कर लीजिए, महौषधि। आ प्लस औ बराबर औ महौषधि। वन धन औक्सह वनौक्सह, अ प्लस औ बराबर औ वनौक्सह। गंगापन प्लस ओधा गंगौधा, ठीक, गंगा प्लस ओधा गंगौधा। आ प्लस औ बराबर औ गंगौधा, ठीक है। वृद्धि संधि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे आप लोग इसकी, इसका जो है प्रश्न होता। देखिए, मम धन औत्सुक्यम क्या है, मम धन औत्सुक्यम, मम में क्या आया है, आप इसी तरह से लिखेंगे, पहले अपने शब्दों को लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद नियम लिखिएगा। मम धन औत्सुक्यम में क्या है, अ प्लस औ, तो दोनों मिलके क्या बन गया, औ। और क्या बन जाएगा आपका शब्द, मम मौ सक्यम, मम मौत सक्यम, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसका संधि भी लिखिएगा, संधि संधि का नाम उल्लेख भी कीजिए, वृद्धि संधि सूत्र लिखिए, वृद्धि रेचि, और एक एकम, एक एकम, एक का क में क्या है, अ है, ठीक है। फिर ए है, दोनों मिलके क्या बन गया, आई। क्या हो जाएगा आपका, ए कै कम, ए कै कम, ठीक। वृद्धि संधि वृद्धि रेचि सूत्र, तस्य औषधि, तस्य समय अ प्लस ओ, दोनों मिलके क्या बन गया, औ। तो क्या बन गया, तस्यो श तस्यो, ये मेरे पेन को क्या हो गया है, तस्यो षधी ही, तस्यो षधी, एक मिनट, तस्यो षधी, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, तव प्लस औदार्यम, तव प्लस औदार्यम क्या हो गया, तव का अ प्लस औ, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, औ। तो शब्द भाव का बन जाएगा तवो दार्यम। इन दोनों के स्थान पर औ आता है, ठीक है। लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सा संधि है जिसमें जो है पहला वर्ण ही जब बस चेंज होता है, तो वो यर संधि और अयादि, यर संधि है, और कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि है, ठीक। यर और अयादि संधि में सिर्फ पहला शब्द जो होता है उस वो परिवर्तित होता है, और बाद वाला शब्द नहीं होता है, पहला वर्ण परिवर्तित होता है, बाद वाला वर्ण परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अधुना एव, अधुना एव में क्या है, अ अधुना आ प्लस ए बराबर आई, हो
हो जाएगा आपका अधु नैव। अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव भी बहुत ही पूछा जाता है। अ प्लस ए बराबर क्या हो गया, आई अत्रैव। ठीक, आपका शब्द क्या बनेगा, अत्रैव। कदा प्लस एव, कदा का आ प्लस ए बराबर क्या बनता है, आई। तो हो जाएगा क दई, एक मिनट, क्या हो जाएगा आपका शब्द, क देव। कन्याधन ओदनम, कन्याधन ओदनम में क्या है, आ है प्लस ओ है और दोनों मिलके क्या बन गया, औ बन गया। तो हो जाएगा आपका कन्योदनम, कन्योदनम। सुर प्लस ऐश्वर्यम, सुर प्लस ऐश्वर्य अ प्लस ए बराबर अ प्लस आई बराबर आई। फिर हो जाएगा आपका सुर रे श्वर्यम, सुरेश्वर्यम। लता प्लस ईशा, लता प्लस ईशा आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो लता लता नहीं हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, लतेशा, लते शा, क्या शब्द बनेगा, लतेशा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम उल्लेख कीजिए। तो संधि विच्छेद करना है आपको, ये शब्द लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद संधि विच्छेद लिखिएगा उसका। जलौघ है तो जलौघ क्या हो जाएगा, जल, जल प्लस ओघ। ठीक, जल प्लस ओघ, इसका नियम क्या हो गया, अ प्लस ओ बराबर औ, तभी ना बना जलोघ। फिर जलोघ हो गया, अब इसका आप संधि का नाम लिखिए और संधि का सूत्र लिख लीजिए। सदैव, सदैव क्या होगा, सदा प्लस एव। आ प्लस ए बराबर आई। ठीक, अधैव, अधैव का अध, अध प्लस एव, अ प्लस ए बराबर आई, अधैव। अत्रैव, अत्र प्लस एव, तो अ प्लस ए बराबर आई, अत्रैव। तथैव, तथा प्लस ए, तथैव क्या हो जाएगा, तथा प्लस ए, एव, तो हो जाएगा तथैव। ठीक है, विद्येश्वर्यम, विद्येश्वर्यम विद्या प्लस ऐश्वर्यम प्लस ऐश्वर्यम, तो हो जाएगा आ प्लस ए आई बराबर आई। कन्योदनम, कन्या, कन्योदनम क्या है, यह ना कन्या प्लस ओदनम, कन्योदनम तो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बनेगा, आ प्लस ओ बराबर औ ना। ममेकह भी दिया हुआ है ना, ममेकह इसमें नहीं दिया हुआ है, आपके ऊपर दिया हुआ है मम।
वम प्लस एक तो क्या बन गया, अ प्लस ए बराबर आई, मैं कहा उष्णो दकम, उष्ण क्या बन जाएगा, उष्ण प्लस ओदकम, उष्ण प्लस ओदकम, अ प्लस ओ बराबर औ, उष्णोदकम। महौषधि, महा प्लस औषधि, आ प्लस औ बराबर औ, महौषधि। और क्या है, तस्यैव, तस्य प्लस एव क्या हो जाएगा, अ प्लस ए बराबर आई, वनौषधि। वनौषधि का क्या होगा, वन प्लस औषधि, अ प्लस औ बराबर औ, वनौषधि। पंचेते, पंचेते तो पंच प्लस एते तो अ प्लस ए बराबर आई, पंचेते। मैवम, मैवम क्या हो जाएगा, मैवम का होगा माँ प्लस एवं, तो आ आ प्लस एवं, ठीक है। मैवम क्या हो जाएगा, आ प्लस एवं, माँ प्लस एवं, है ना। तो आ प्लस एवं, मैवम, आ प्लस एवं नहीं, हाँ आ प्लस एवं, ठीक है। अब देखिए यर और वृद्धि संधि में अंतर बताइए। यर संधि और वृद्धि संधि में अंतर, बहुत अंतर है। देखिए कैसे करेंगे आप, यर संधि, यर संधि लिखिए, एक लाइन खींचिए और फिर लिखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, फिर उसके बाद नंबर वन डालिए। यर संधि, यर संधि में क्या होता है, यर संधि का सूत्र, सूत्र क्या है, इको यरची, और इसका सूत्र क्या है, वृद्धि रेजी, ठीक। दूसरा नंबर, इस पे यर संधि में, यर संधि में इक के स्थान पर यर होता है, इक के स्थान पर यर हो जाता है, इक के स्थान पर यर होता है, ठीक है। इक के स्थान पर यर होता है, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, इसको हम जो है अलग से करवा देंगे, या तो आप यहाँ लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे सादा है ना, कि इक के स्थान पर यर हो जाता है यर संधि में, ठीक है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, कि वृद्धि संधि में वृद्धि होती है, यदि वृद्धि संधि में यदि अ या आ के बाद एच आए तो उसकी वृद्धि, एच की वृद्धि हो जाती है, एच वृद्धि होती है, ठीक। इस तरह से आप ऐसे लाइन खींच करके यर संधि और वृद्धि संधि ऐसे करके ऐसे आप लिख लीजिएगा, यर संधि का उदाहरण दे दीजिए और वृद्धि संधि का उदाहरण दे दीजिए,
ठीक प्रत्येकम, इसमें प्रत्येकम, उसका जो है विच्छेद करिए, और इसमें महौषधि, उसका विच्छेद कर दीजिए, हो गई दोनों में अंतर, बहुत अंतर है। और फिर यर संधि में पूर्व, पूर्व में परिवर्तन होता है, पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि संधि में पूर्व पर दोनों के स्थान में एक नया वर्ण आता है। ठीक, यर संधि में पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे प्रति धन एकम, तो ई प्लस ए है तो सिर्फ ई में परिवर्तन होगा, ई के स्थान पर यह आएगा, लेकिन वृद्ध संधि में दोनों के स्थान में परिवर्तन होता है, जैसे महा धन औषधि, औषधि है तो ये आ है ना, आ प्लस औ, तो दोनों के स्थान पर औ आया है, ठीक है, महौषधि हुआ है। इस तरह से आप दो से तीन अंतर लिख सकते हैं। यदि ना समझ में आए हो तो हमें बताइएगा, तो हम आपको लिख करके दे देंगे। निम्नलिखित में शुद्ध कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। अत्रैव तवैव में एक ही संधि है, एक ही संधि हुई है, सही है। अत्र प्लस एव, तव प्लस एव, अत्रैव में वृद्धि संधि हुई है। वसुधैव में यर संधि है, गलत है, वसुधैव में भी वृद्धि संधि है। शीतोदार्य में वृद्धि संधि है, सही है। तवोषधालय तथा उष्णोदनम में वृद्धि संधि नहीं है, नहीं है आ गया, यानी ये गलत हो गया। तवोषधालय और उष्णोदनम में क्या है, वृद्धि संधि है, तो आप इसमें लगा लीजिएगा चिन्ह यहाँ पे। ठीक, ये सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, और चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से करिए। और यर तथा वृद्धि संधि में अंतर जैसे हमने बताया है लाइन खींच करके, वैसे करने की कोशिश करिए। सूत्र, इसका सूत्र लिखिए, उसका सूत्र लिखिए। और पहला हो गया, फिर आप जो है इसमें इसकी यर संधि का उदाहरण बताइए, वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए, उसको विच्छेद करिए। इस तरह से दो से तीन आप अंतर उसमें बता सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अयादि संधि। ठीक है।